फिर से एक बार आमिर खान फिल्म्स के साथ काम करेंगी जेनेलिया देशमुख। इंस्टाग्राम की स्टोरी पर आमिर खान फिल्म्स की एक बोतल की तस्वीर शेयर कर जेनेलिया ने लिखा, आफ्टर 16 इयर्स। राम लल्ला के दर्शन करने पहुंचे अमिताभ बच्चन, खुद को कहा छोरा गंगा किनारे वाला। दरअसल वो वहाँ एक ज्वेलरी शॉप के इनॉग्रेशन के लिए गए थे। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रिपोर्टेडली बिग बी ने कहा, ये सच है कि हम दिल्ली रहे, कोलकाता रहे, मुंबई रहे, लेकिन जहाँ भी रहे कहलाया गया छोरा गंगा किनारे वाला। फाइटर में किसिंग सीन को लेकर मिली नोटिस पर चुप्पी तोड़ी फाइटर के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने। रिपोर्टेडली उन्होंने कहा, ये फिल्म भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर बनाई गई थी, हमने वायुसेना में सबको पूरी फिल्म दिखाई थी। रजाकर साइलेंट जेनोसाइड ऑफ हैदराबाद के ट्रेलर लॉन्च पर आई कंगना रनौत, कई मुद्दों पर की खुलकर बात, आप भी डाले एक नजर। जय श्री राम, जय श्री राम। मैंने एक्चुअली अभी एक फिल्म किया कॉल इमरजेंसी, वो देखने के बाद आप डेफिनेटली नहीं चाहेंगे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं। बताते चले कि जो साड़ी उन्होंने पहनी थी वो साधना जी के ब्यूटी से इंस्पायर्ड थी। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नितेश तिवारी की रामायण में शूर्पनखा का किरदार निभा सकती है रकुलप्रीत सिंह। इस किरदार को लेकर मेकर्स उनसे बात कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश और लारा दत्ता को रामायण में ज्वाइन करेंगी रकुल। अपने न्यू बॉर्न बेबी के साथ पहली बार पब्लिक अपीयरेंस दिया विक्रांत मैसी ने। मीडिया को किया बच्चे की तस्वीर लेने से मना, आप भी डालिए इस वीडियो पर एक नजर। अपने पिता और दिवंगत अभिनेता इरफान खान को याद किया उनके बेटे बाबिल खान ने। इंस्टाग्राम पर उनकी एक फोटो शेयर कर लिखा लंबा चौड़ा इमोशनल कैप्शन, आप भी एक नजर डाले कि क्या लिखा बाबिल ने अपने पिता के लिए। बिगड़ी मिथुन चक्रवर्ती की तबीयत, अस्पताल में करवाया गया भर्ती। खबर आई थी कि लेजेंडरी एक्टर को सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया। अब नई रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके तबीयत को फिलहाल स्टेबल बताया जा रहा है। पहले दिन ही कमाई से इंप्रेस किया शाहिद कपूर और कृति सैनन की तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया ने। पहले दिन फिल्म ने कमाई 14.04 करोड़। सतीश कौशिक की अंतिम फिल्म कागज 2 का ट्रेलर हुआ आउट। सतीश के बेस्ट फ्रेंड अनुपम खेर ने मुंबई में हुए एक इवेंट में शिरकत की, वही अनिल कपूर ने उनके लिए लिखा इमोशनल पोस्ट, आप भी डालिए एक नजर।